ग्राम पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक जुलवानिया में आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी सहित जुलवानिया, ओजर, खजूरी और नागलवाड़ी के क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमको मिलकर प्रयास करना होगा, जिसके चलते जिले में सभी पाइटियो मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कोरोना के संक्रमित मरीज हुए हैं और शुगर की समस्या वाले मरीजों में यह ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मरीजों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। जुलवानिया से रवि महाजन की रिपोर्ट। विधानसभा में कर रहे हैं क्या सरकार का उद्देश्य? इस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन करके और जिस प्रकार से क्राइसिस के द्वारा प्रशासन, शासन और जनता के सहयोग से जिस प्रकार से कोरोना में कंट्रोल किया है, वो निश्चित तौर पर तारीफ़ काबिल। बड़वानी जिले के मैं आज जुलवानिया ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पर चार ग्राम पंचायत की क्राइसिस कमेटी की बैठक यहाँ पर की गई। मेरे साथ इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष ओम सोनी जी, हमारे पूर्व सांसद सुभाष जी, हमारे ओम खंडेलवाल जी, उसके साथ में और ये चारों क्राइसिस कमेटी के सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे। अब यह कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी को हमको गांव में रोकना है और गांव में इस प्रकार से अब कंट्रोल भी है और गांव में हम उस कोरोना को लेकर हम समाप्ति की ओर भी हैं, परंतु फिर भी तीसरी लहर का हम लोग बातें सुन रहे हैं। कहेंगे तीसरी लहर के आंशिक संदेश हमको देखने को भी मिल रहे हैं, इसलिए गाँव की क्राइसिस कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं। और गाँव की क्राइसिस कमेटी लॉकडाउन गाँव में कराना, गाँव में सर्वे टीम के आगे गाँव के लोगों से पूछना, गाँव में कोई बीमार है, बुखार है, किसी को सर्दी खांसी है, केल कोरोना किट के द्वारा उनको किट उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके स्वास्थ्य को ठीक करना, कहीं कहीं गाँव के ही लोगों को जनजागरण का अभियान का काम किया जा रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी का, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते जो गाँव में समितियाँ बनी उस गाँव की समितियों को जनजागरण अभियान का काम भी चल रहा है। निश्चित तौर पर ये वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, 18+ का वैक्सीन काम भी शुरू हो गया है, 45 से ऊपर का काम भी चल ही रहा है। ये कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को हम दो तरीके से रोक सकते हैं। एक तो हम मास्क लगाकर, मुंह और नाक ढककर, हम दो गज की दूरी रखकर, और दूसरा वैक्सीनेशन लगाकर। ये दो चीज़ें अगर महत्वपूर्ण हम लोगों ने गांव में कर लिया गया तो निश्चित तौर पर अब गांव हम शून्य की श्रेणी में आने लग गया है। हम इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी की तीसरी लहर को भी हरा पाएंगे। उसको लेकर ये जनजागरण अभियान का काम चल रहा है, उसको लेकर हम सतत जगह जगह पर बैठक हम लोग कर इस गाँव ग्राम से कोरोना को हराने के लिए लगे हुए। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार कितनी तैयार है? ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय है, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंकाओं में देखने को मिल गया कि हमारा मध्य प्रदेश में 43 ब्लैक फंगस के पॉजिटिव मरीज हमारी बड़वानी जिले को में मिले हैं और उसका इलाज इंदौर के मेडिकल हॉस्पिटल में ही अब हो रहा है। क्योंकि ये जरूर है कि ब्लैक फंगस एक इस प्रकार की बीमारी है जहाँ पर जान को अत्यधिक खतरा है, और इसलिए इस प्रकार की फंगस की तैयारी को लेकर हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, हमारा शासन प्रशासन सब तैयार भी है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि जिनको कोरोना पॉजिटिव जो लोग हुए थे, जिनको शुगर है, अगर थोड़ी भी आँखों की परेशानी, थोड़ी नाक की परेशानी, थोड़ी भी सिम्टम्स दिखते तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, और अगर जो भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो तत्काल हम इंदौर रेफर करके उसकी जान बचाने के लिए पूरा प्रशासन जनता तैयार करी। तो ब्लैक फंगस के लिए बड़वानी जिले में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ? निश्चित तौर पर हमने इसकी तैयारी जिला अस्पताल में करी है। बच्चों के डॉक्टर भी हैं, बच्चों का आईसीयू भी हमने बना रखा है। मैंने बड़े एक आईसीयू बनाने के लिए 25 लाख रुपए की निधि मेरी सांसद निधि से दी है, उसकी जगह उसका अस्पताल भी हमने शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऑक्सीजन को लेकर, बहुत सारे इंजेक्शन को लेकर हमने वर्कआउट कर लिया है। जो प्राइमरी स्टेप का जो भी हम सुविधाएँ दे सकते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी है। तो हम निश्चित तौर पर प्रारंभिक उपचार हम यहाँ पर कर पाएंगे। अगर ब्लैक फंगस बढ़ता है तो हमको इंदौर उसको रेफर करना पड़ेगा, फिर भी हमारी पैरा मेडिकल स्टाफ की इस विषय को लेकर पूरी तैयारी। हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैं आगे इस बैठक को संबोधित करने के लिए हमारे भाइयों बहनों को मेरी ओर से, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत है अभी, तो क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की तरफ से भी आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं इस कोरोना को हम लोग, क्योंकि कोरोना आया था जब हम लोग वाकई में हमारा ऐसी आत्मा हो रही थी कि क्या होने वाला है, पर धीरे से अब कोरोना को समाप्त किया है। तो आप सब लोगों के सहयोग से, सभी भाइयों बहनों की, पत्रकारों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।